अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम हिमाचल प्रदेश के निर्धन नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब नागरिक अपना कारोबार बढ़ा सकें। उन्हें अन्य रोजगार धंधे चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी विभाग द्वारा दी जा रही है। गरीब पात्र युवाओं को शिक्षा देने का प्रबंध भी किया जा रहा है, ताकि वे धन के अभाव में अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। निगम द्वारा इस जाति के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये जानकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के महाप्रबंधक अजय राघव ने सोलन में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दी। राघव ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 तक का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 10,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा हस्तशिल्प विकास योजना, शिक्षा ऋण भी दी जाता है। इन ऋणों पर बेहद कम ब्याज वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग का जो लक्ष्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वे उसे प्रत्येक वर्ष हासिल भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13,962 नागरिकों को करीब 12 करोड़ के ऋण भी निगम के द्वारा माफ किए गए हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम है, इसकी स्थापना वर्ष 1979 से हुई है, जो कि विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बनाया गया निगम है। उनके लिए स्कीम्स जो हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे पहली स्कीम है स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है 50,000 तक के ऋण जो निगम है वो SC ST के लोगों को दे रहा है, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये कैपिटल सब्सिडी होती है। बाकी जो लोन होता है वो 4% जो है वो बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। इसी तरह जो है स्वरोजगार सेकेंड योजना है, इसमें जो है इनकम क्राइटेरिया जो है वो 35,000 से डबल होता है। जैसे सपोज आपका BPL परिवार है, इनकम 35,000 है, उनकी डबल 70,000 रुपये तक के इनकम वाले जो हैं, इनको हम जो है वो 50,000 लोन 6% ब्याज पे अलग अलग स्कीम्स के लिए इन लोगों को दिए जाते हैं। इसके बाद आगे हस्तशिल्प विकास योजना। एक ऐसे हस्तशिल्प विकास, जैसे कोई पारंपरिक कार्य का बांस का काम है, आपका पत्तल बनाने का काम है, इसलिए भी निगम जो है वो 15,000 के ऋण 2% ब्याज पे इन लोगों को दे रहा है। इसके बावजूद बहुत जो जरूरी है और आवश्यक है वो है शिक्षा ऋण योजना। इस योजना के तहत जो है निगम SC ST के जो बच्चों को है वो 1.5 लाख रुपए तक के ऋण जो है वो 4% ब्याज पे इन लोगों को दे रहा है। इसमें जैसे किसी ने आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, जैसे JBT है, MBBS है, इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है, इन कोर्सेज के लिए जो है इन बच्चों को जो है निगम जो है ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री, जिसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता।